हाँ जी बाबा, ब्रह्मा बाबा से एडवांस पार्टी को आपको सहयोग है। ब्रह्मा बाबा का एडवांस पार्टी को सहयोग तब होगा जब पूरा समझेंगे या बिना समझे पार्टी को सहयोग दे देंगे। वो कहते हैं एडवांस पार्टी हम हैं, जो स्थूल शरीर त्याग चुके हैं। अब एडवांस पार्टी कौन है? एडवांस में प्राप्ति करने वाले कौन है? जो डायरेक्ट भगवान से प्रैक्टिकल में प्राप्ति करेंगे वो एडवांस हैं, या जो शरीर छोड़ने के बाद सतयुग में प्राप्ति करेंगे वो एडवांस पार्टी है? एडवांस पार्टी जो है वो प्राप्ति भी एडवांस में करेगी या सतयुग में प्राप्ति करेगी? है, प्राप्ति भी इस एडवांस में करेगी। तो ये फैसला ब्रह्मा बाबा करेंगे तब तो सहयोगी बनेंगे। पहले बुद्धि में बात पूरी बैठनी चाहिए ना, जो मूल बात है गीता का भगवान कौन है, वो उनकी बुद्धि में बैठ गया। मूल बात ही बुद्धि में नहीं बैठी है जिससे भारत का खास पतन हुआ है और सारी दुनिया का पतन हुआ है। और बाबा गीते में सरेंडर बहन को सन्यासी कहते हैं। वहाँ माता कौन है? वहाँ माता कौन है? वहाँ पिता कौन है? और पति कौन है? प्रैक्टिकल में जहाँ माता होती है, पिता होता है, पति होता है, उसे गृहस्थी कहा जाता है। अगर है गृहस्थी तो बताएं। गृहस्थी में पति का कोई महत्व होता है, पिता का कोई महत्व होता है या नहीं होता है? तो कौन है वहां पिता? आपको पिता कहते हैं। कौन है? ब्रह्मा बाबा। कहाँ है? इसलिए मुरली में बोला है, वो ब्राह्मण कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में है। अब ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है तो तुम्हारा परिवार यहां कहां से आ गया? परिवार तो प्रैक्टिकल में है। हर बात का जवाब ऐसे नहीं है कि एडवांस पार्टी ही देगी। हर बात का जवाब मुरली में दिया हुआ है। और बाबा अभी वनवास का पीरियड है या अनंतवास का पीरियड है? वनवास पांडवों का वनवास का पीरियड है या अनंतवास का पीरियड है? अभी जब तक राजाई नहीं मिली है तब तक या तो वनवास है या तो युद्ध है। जीत हो जाती है तो युद्ध भी खलास हो जाता है। और बाबा एक मुरली में पढ़ा है कि प्रजापिता कहा जाता है एक ब्रह्मा को। प्रजापिता कहा जाता है एक ब्रह्मा को। एक ब्रह्मा को? एक ब्रह्मा। ब्रह्मा दो चार हैं कि एक है? पांच ब्रह्मा। पांच ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहा जाता, एक ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। नहीं समझ में आया? नहीं आया क्यों? ब्रह्मा बहुत हैं, लेकिन उनमें से एक ही ब्रह्मा है जिसको प्रजापिता कहा जाता है। सभी को प्रजापिता नहीं कहेंगे, एक ही है।
और वो आदि से लेकर अंत तक है। सृष्टि के आदि से लेकर के जब तक 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद है तब तक प्रजापिता भी मौजूद रहेगा। तो उसके आगे ये भी कहा है कि ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। हाँ, शिव का एक ही बच्चा है ब्रह्मा, ठीक है। और बच्चे नहीं, और बच्चे हैं, लेकिन पहला बच्चा, पहला बच्चा। और आदि में भी सुख में रहते हैं, एक आत्मा मन में भी सुख रहते हैं, अंत में भी सुख रहते हैं, और शरीर छोड़ने को तो में भी सुख रहते हैं। क्या आदि में भी सुख में रहते हैं, आदि में भी अंत में भी दुख रहते हैं, दुखी रहते हैं, कोई आत्मा, कोई आत्मा ऐसी है जो आदि में भी दुखी है, मध्य में भी दुखी है। आदि में दुखी कौन है? सृष्टि का आदि जब होता है तो उस नई सृष्टि के आदि में दुखी कोई होता है क्या? तो आपने पता नहीं जाने कहां से ये वाक्य उठा लिया। वो अगली बार ले आना, उसकी कॉपी ले आना कम से कम। फिर आप बोला भी ले आना, छपा हुआ नहीं है तो बोला हुआ ले आना, और डीवीडी को पकड़ के ले आना इधर। आदि में सृष्टि के, नई सृष्टि के आदि में सुख ही सुख होगा या किसी को दुख भी हो जाएगा? सुख ही सुख होगा, दुख होने का तो सवाल ही नहीं। तो ये बाप दादा कैसे बोल सकते हैं कि सृष्टि के आदि में दुख भी है किसी को? मैं जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि एक बात है कि काम काम से आपको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। काम विकार सृष्टि के आदि में नहीं होता। नहीं नहीं, वो जो बोल रहे हैं जैसे मैं समझ रहा हूँ, मतलब द्वापर के आदि से आदि मध्य, वो बात कर रहे हैं कि कोई आत्मा ऐसी भी है इस सृष्टि पर जो आदि में भी दुखी, मध्य में भी दुखी, अंत में भी दुखी, उनका ये कहना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नई सृष्टि के आदि में कोई भी आत्मा दुखी हो जाए। नई सृष्टि नया ज्ञान देने वाले परमपिता परमात्मा की सृष्टि है, उसमें नई सृष्टि में कोई दुखी हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और जो आदि में दुखी होगा वो मध्य और अंत में भी दुखी होगा। तो ऐसा कोई है कि आदि में भी सत्य है, सी भी सत्य हो, सी भी सत्य, तीनों काल में सत्य, ऐसा कोई है या नहीं है? है, कौन है? शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। आदि में भी विष्णु का रूप और अंत में भी विष्णु का रूप और मध्य में भी विष्णु का रूप है। एक लाख एक लाख शालिग्राम यज्ञ में बनता है ना? यज्ञ में, यज्ञ में सिर्फ एक लाख ही क्यों बनता है? बाबा तो बोलते हैं जब यज्ञ रचते थे रुद्र यज्ञ भक्ति मार्ग में तो लाख दो लाख लाखों की तादाद में उस प्रोग्राम शालिग्राम बनाते थे। जितना बड़ा सेठ उतने जास्ती शालिग्राम बनवावेंगे, कोई दो चार लाख भी बनवाते होंगे। सुबह को बनाना शुरू करते थे और शाम को बिगाड़ देते थे, सुबह का साईं
यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार है। यहाँ ब्राह्मण बैठे बैठे क्या करते हैं, उनका मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अभी अपन को क्या बनाना? शालिग्राम बनाना। तो कितने ब्राह्मण हैं जो शालिग्राम बना लेते हैं? है 1 लाख ही है या ज्यादा कम ही है? 4.5 लाख है। 4.5 लाख ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपन को क्या बना लेते हैं? शालिग्राम बना लेते हैं। इतने ब्राह्मण चाहिए। 1 लाख से काम नहीं चलेगा। नई सृष्टि कितने की होनी चाहिए? 4.5 लाख की होनी चाहिए। और इंद्र वाले माना वो ही इंद्र वाले हैं क्या? नहीं, जो अपने को दर के अंदर रखते हो। दर माने दरवाजा। ये ईश्वर का दरवाजा है, ईश्वर का दर है, भगवान का दर है। भगवान के दर के अंदर रखते हो। भगवान ने जहां बैठाया है वहां रहते हैं, बाहर कदम नहीं रखते। परमिशन के बगैर इधर से उधर नहीं होते। जहां बिठाए, जहां ले जाए, जैसे चलाए वैसे चलेंगे। माने दरवाजे के अंदर है। और बाबा, अमृत वेले का समय, याद करने का समय, सेवा का बारे में सोचना सही है या ना सोचना? भगवान का कार्य करेंगे तो भगवान की याद आएगी या नहीं आएगी? है, आएगी। भगवान की याद को ही तो योग कहते हैं। हाँ, सेवा जो है मनसा भी होती है, वाचा भी होती है और कर्मणा भी होती है। लेकिन याद का एक रूप ऐसा है जिसमें कर्मणा की दरकार नहीं है, वाचा की भी दरकार नहीं है, तन की भी दरकार नहीं, धन की भी दरकार नहीं। वो सेवा इतनी उच्च कोटि की हो सकती है जिसमें सिर्फ मन की ही जरूरत है। मन को जिसने एकाग्र कर दिया उसको इंद्रियों को चलाने की दरकार नहीं है, तन के कोई हिस्से को चलाने की दरकार नहीं, वाचा चलाने की दरकार नहीं, धन खर्च करने की दरकार नहीं, संबंधियों की पावर लगाने की भी दरकार नहीं, जो संपर्क में आने वाले हैं उनकी भी शक्ति लगाने की दरकार नहीं। मात्र संकल्प किया योग बल से, योग बल की एकाग्रता से, और काम संपन्न हो गया। वो है योग बल की पराकाष्ठा। उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। मन से जो भी संकल्प किया, जब भी किया, उसी समय वो संकल्प सिद्ध हो जाए। प्रकृति स्वतः ही सारा कार्य संपन्न कर दे। ऐसा योग बल अमृत वेले लगाना, प्रैक्टिस करना। अगर नहीं हो पाता है तो जितना हो सके उतना अच्छा। इसके लिए गीता में भी कहा हुआ है, स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, धर्म माने आत्मा की धारणा में टिकना सबसे बड़ा धर्म है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धारणा का
स्वल्प मात्र भी, अंश मात्र भी अगर धारणा कर ली मैं आत्मा हूं इस स्थिति में एक सेकंड भी टिके तो महान भय से हमारा सुरक्षा हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिस ये करना है कि मन को कंट्रोल करना है। नहीं होता है तो अच्छा मुरली ही पढ़ो। कम से कम जागने की तो प्रैक्टिस पड़ेगी अमृत वेले। हाँ जैसे कहा जाता है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। हाँ। तो क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे याद में बैठते हैं तो मुरली की जो पॉइंट्स वो मनन चिंतन होता है उसको हम क्या समझ सकते हैं वो याद है? अमृत वेले की याद की बात बताई कि श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ अमृत वेले की याद कौन सी है? तो मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हैं वो सेकेंडरी याद है, फर्स्ट क्लास याद नहीं है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना, मनुष्य से देवता बनना। तो देवताएं जब बन जाएंगे तो क्या करेंगे? मनन चिंतन मंथन करेंगे करेंगे नहीं है? हाँ तो उसी स्टेज पर पहुंचने के लिए क्या करना है? आत्म की स्थिति में स्थित रहना, वो दूसरा कोई संकल्प नहीं। और आत्मा से परमात्मा दूर है ही नहीं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो आत्मा के साथ परमपिता परमात्मा तो है ही है। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो बाप याद आवेगा, देवान में रहेंगे तो बाप याद नहीं आवेगा। आत्म का गुणों का और बाप का गुणों का संकल्प करना तो होता है। आत्माओं के गुण अलग, देवताओं के गुण अलग और बाप के गुण अलग। वो भूल गए? याद में रूप को याद किया है। याद में जब बैठते हैं तो रूप को ही याद करते हैं। मूल रूप आत्मा का, मूल रूप का और परमात्मा का रूप का स्वरूप का। आत्मा का जो मूल रूप है उस मूल रूप में 100% टिकने वाला कौन है? है एक शिव बाबा ही है जो उस मूल रूप में टिकता है 100%। बाकी तो नंबरवार हैं, कह सकते हैं आत्मा सु परमात्मा, लेकिन प्रैक्टिकल में बनता कोई नहीं है। और बाबा 4.5 लाख वर्ष में दबा होंगे बाबा, आत्मा फरंदा होंगे फिर से शरीर में प्रवेश करता है, उम्र कैसे गिनते है बाबा? जब संपन्न स्टेज होगी तो संपन्न स्टेज माने संपूर्ण आत्मा, 16 कला संपूर्ण आत्मा होगी या पूर्ण आत्मा होगी? हैं? संपूर्ण आत्मा। और संपूर्ण आत्मा जब प्रकृति के 5 तत्व धारण करेगी तो संपूर्ण सात्विक तत्व धारण करेगी या नीचे ऊपर की स्टेज वाले धारण करेगी? संपूर्ण सात्विक। संपूर्ण सात्विक बच्चा होता है या जवान या बूढ़ा होता है? है संपूर्ण सात्विक शरीर बच्चे का होता है, बचपन में होता है, बड़े का होता है या बुढ़ापे का होता है? बच्चे को होता है। तो वहां तो बर्फ से निकलेंगे तो जो भी निकलेंगे वो कैसी स्टेज में होंगे? सात्विक स्टेज में होंगे या शरीर छोड़ने वाले बुढ़ापे की स्टेज में होंगे?
सात्विक स्टेज होगी। और हमारा तो जैसे शरीर वृद्ध अवस्था को तो पाता ही नहीं है, सतयुग में शरीर तो कभी वृद्ध तो होता नहीं, बुढ़ापा तो होता नहीं है शरीर। पूछो तो क्या पूछ रहे थे, ये तो सबको मालूम है कि सतयुग में कोई बूढ़ा नहीं होता है। माने 5000 साल साल तक एक ही शरीर बना रहना चाहिए, मतलब अभी हम समझते हैं ना शरीर। नहीं, आप चाहते क्या हैं? क्या नए नए पार्ट बजाना चाहते हैं? तो वो इच्छा पूरी होती है, वो शरीर छोड़ना पड़े, एक शरीर तो हमेशा किसी का रहेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आत्मा जन्म बाई जन्म ज्यादा से ज्यादा सुख भोग सके, इतना तक हो सकता है। बाकी ऐसे नहीं हो सकता कि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं। गीता में भी लिखा हुआ ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता। और बाबा रामकृष्ण का आत्मा द्वापर में कैसे पार्टनर होता है? रामकृष्ण जिनको कहा जाता है और जिनका संसार में इतना नाम वाला है, वो रामकृष्ण कलयुग के हैं या द्वापर के हैं या सतयुग त्रेता के हैं? है संगम के हैं रामकृष्ण। संगम तो अभी सन 36 से शुरू हुआ है, रामकृष्ण ने सन 36 से पहले जन्म लिया था या सन 36 के बाद जन्म लिया? तो फिर तो कलयुग के हैं या द्वापर के हैं? अरे गुरु नानक ने कब जन्म लिया? द्वापर में, कलयुग में जन्म लिया। ऐसे ही गुरु नानक के कई सौ वर्षों के बाद फिर रामकृष्ण ने जन्म लिया, विवेकानंद ने जन्म लिया। रामकृष्ण विवेकानंद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, राम और कृष्ण वाली आत्माओं की बात कर रहे हैं, जो त्रेता का राम प्रसिद्ध है शास्त्रों में और जो द्वापर का कृष्ण प्रसिद्ध है शास्त्रों में, उसकी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब राम और कृष्ण का, राम वाली आत्मा का और कृष्ण वाली आत्मा का पात्र होता है ना आप? हाँ, वर्तमान संगम में पार्टनर है और अलौकिक में भी पार्टनर है। लौकिक में अच्छा, संगम युगी पहले जीवन में हाँ पार्टनर थे, अलौकिक में भी पार्टनर थे। अलौकिक में भी पार्टनर होते हैं? द्वापर में भी पार्टनर होता है। द्वापर की बात छोड़ दो, जन्म जन्मांतर आप पार्टनर हैं। द्वापर में कैसे? द्वापर में कैसे गुरु और चेले पार्टनर होते हैं या नहीं होते हैं? है? बाप विक्रमादित्य बनता है, बाप विक्रमादित्य बनता है, बाप विक्रमादित्य नहीं, विक्रमादित्य का बाप ब्रह्मा बाबा विक्रमादित्य बना और उसका बाप भी है उस समय मौजूद। विक्रमादित्य शिवलिंग बनाता है, शिवलिंग बनाकर मंदिर बनाता है, उसे ऑर्डर कौन देता है बनाने के लिए? है बाप, वो बाप भी है उस समय गुरु भी है। द्वापर का आदि है ना, जैसे सतयुग का आदि होता है ऐसे ही द्वापर का आदि भी है। सतयुग आदि में जो लक्षण है वो द्वापर के आदि में भी कुछ न कुछ विराजमान है। जन्म जन्मांतर बाप और बेटा नहीं, सर्व संबंध बाबा ने बताए हैं या एक संबंध बताया है?
अगर यहाँ संगम युग में सर्व संबंधों की रचना बाप से नहीं ली तो उन संबंधों के लिए जन्म जन्मांतर तरसते रहेंगे। एक संबंध की बात नहीं है, ब्रह्मा उर्फ दादा लेखराज उर्फ कृष्ण, ये तो बाप का बहुत शिकिलदा बच्चा है, सबसे प्यारा, ज्यादा प्यारा। बाप को सबसे ज्यादा प्यार किसके प्रति होता है? है? बच्चे के प्रति होता है। तो बच्चे को तो बहुत प्राप्ति कराते हैं, एक संबंध से कराएंगे या सर्व संबंधों से कराएंगे? सर्व संबंधों से। ये जो सर्व संबंध होते हैं ना, तो कभी कहा जाता है साजन सजनी का संबंध, साजन सजनी का संबंध, और हमेशा समझा ये जा रहा है कि बाबा ही साजन है और हम सब सजनियां हैं। ठीक है, तो उसका रिवर्स भी हो सकता है। क्या रिवर्स हो सकता है? हम साजन और वो सजनी, ऐसे हो सकता है? मना शिव बाबा मुरली में कहते हैं, मैं सदैव मासुक हूँ, आशिक नहीं बनता हूँ, मैंने मैं फिदा नहीं होता हूँ किसी के ऊपर। फिदा कौन होते हैं? आशिक फिदा होते हैं। तो तुम बच्चे आशिक हो या माशूक हो? आशिक हो, तो सजनी वाली बात ही खत्म हो जाती है। फिर सर्व संबंध तो एक संबंध बच गया, वो संबंध है, एक पति पत्नी का एक संबंध हो गया, साजन और सजनी का एक संबंध हो गया। 84 जन्म में तो कभी जो पति बनते हैं वो अगले जन्म में पत्नी बनते हैं, ऐसे तो रिश्ते होते हैं। वो संबंध आत्माओं के साथ आत्माओं के हैं, और यहाँ आत्माओं के साथ नहीं है, परमपिता परमात्मा के साथ संबंध की बात है। वो संबंध खराब भी माने जाते हैं रिवर्स में, जैसे अभी हमारी बच्ची है, वो बाप है, वो बच्ची है, अब उसके साथ पत्नी का भी संबंध हो जाए, ये खराब है या अच्छी बात है? ये तो बहुत खराब बात हो गई, जानवरों से भी अब बदतर बात हो गई, लेकिन भगवान के लिए, जो भगवान का पार्ट है उसके लिए अच्छी बात है या खराब बात है? है? अरे गलत बात है, अच्छी बात है, क्योंकि वो तो कभी देवभान में आता ही नहीं। भगवान भी देवभान में आता है क्या? तो अच्छी ही बात है। और बाबा, कोई कोई आत्मा को हिंदी भाषा पढ़ने का आती नहीं, बात करने का आती, कोई को लिखने का आती नहीं, ऐसे क्यों होती? जन्म में कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसा पार्ट बजाया है, बाप के साथ जो इस जन्म में ये दंड मिल गया है कि भाषा प्रॉब्लम बन गई है, लैंग्वेज प्रॉब्लम बन गई है, पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सच्ची कंठ फाइन कैसे होगा? है सच्ची कंठ फाइन कैसे बोलोगे? उनको कन्नड़ भी नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आता है, कैसे उनको बच्चा का परफेक्ट? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, गलत बात है या सही बात है? है? सही बात है, तो फिर करो। और बाबा, वो सरस्वती को ऐसे केश दिखाया क्यों? सरस्वती मामा को केश ऐसे दिखाया? हाँ, वो केश है साधु संत महात्माओं के, जो बाल होते हैं वो उलझे हुए बाल होते हैं या सबके सुलझे हुए बाल होते हैं? जटाएं होती हैं, एकजुट हो गए, एक जुट इधर बिखर रहा है, एक जुट उधर, एक जुट इधर लटक रहा है, माने ग्रुप बन गए। क्या
वो ग्रुप बनाए दिए उन्होंने और सरस्वती के बाल सब सुलझे हुए हैं या जटाएं लटक रही हैं? सुलझे हुए बाल हैं, ये अंतर है। वो एक को फॉलो करने वाली है, वो शास्त्रों को फॉलो करते हैं। शास्त्र एक के लिखे हुए हैं या अनेकों के लिखे हुए हैं? है? अनेकों के लिखे हुए हैं, तो अनेक गुट बनाए हुए हैं बालों के। और बाबा वीके में सम्मुख निमित्त पहन के सम्मुख योग करने का समय देवी या देवता का स्वरूप दिखाता था मुझे, है? वीके में ध्यान करने का समय सम्मुख में निमित्त बहन होता था ना? निमित्त बहन होता है, वो देवी होती है कि देवता होता है कि भगवान होता है कि भगवती होती है कि राक्षस होती है कि राक्षसी होती है? देवी या देवता का स्वरूप दिखाता था। अब वो एडवांस में बाप सम्मुख योग करने का और शिवलिंग में योग करने का व्यक्ति स्वरूप शिवलिंग दिखाता था। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जड़ को रखते हैं या चैतन्य को सामने रखते हैं? भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में खास अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में सब कुछ इमिटेशन और ज्ञान मार्ग में सब कुछ प्रैक्टिकल। समझ में नहीं आया अभी तक? बीके में भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग है। और बाबा कलयुग के आदि में राम और कृष्ण का बैठ क्या है? राम और कृष्ण का पार्ट क्या है? उनका हर युग के आदि में अच्छा पार्ट है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझे आ रहा। चारों ही युगों में आदि में उनका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट है। कौन सा पार्ट है बाबा? राम कृष्ण का। कौन का पार्ट क्या है बाबा? बोर्ड पर या कागज पर लिख करके बैठे हैं या बैठेंगे, ये तो तुमको साबित करना है कि बाप का पार्ट किसका है, माँ का पार्ट किसका है, राम का पार्ट किसका है, कृष्ण का पार्ट किसका है, ये तुम्हें साबित करना है। बाबा थोड़ी बता देंगे। और 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट का जो हम सोचते हैं और योग करते हुए यानी उसका जो साक्षात्कार होता है जो बताते हैं, जैसे हम आखिर में तो वो हमारे संकल्प से होते हैं क्या? वो अपने आप अपने आप कैसे होंगे? जैसा पुरुषार्थ आपका होगा, जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उतने तीव्रता जल्दी से आपको साक्षात्कार बुद्धि से हो जाएगा। अगर पुरुषार्थ धीमा है तो बुद्धि से साक्षात्कार भी देर में होगा। यानी हमको संकल्प करना है कि हम ऐसे ऐसे पाठ बचाना है। संकल्प करने की बात नहीं है, संकल्प ज्ञान युक्त तो होने की बात है। मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त तो चलता रहे। जिसका जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन चलेगा वो उतना दूसरी आत्माओं की सेवा में भी लगा रहेगा। दूसरी आत्माओं की सेवा में लगा रहेगा तो बाप ऐसे बच्चों को बहुत याद करते हैं। बाप जिन बच्चों को याद करेगा उन बच्चों की याद बड़ी तीखी हो जाएगी। याद तीखी हो जाने से उनके संकल्पों में रिफाइननेस आएगी। रिफाइननेस आने के कारण उनका पार्ट पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा अष्टदेव में नंबर वन सूर्य, नंबर टू चंद्रवंशी मुखिया है, अन्य नंबर वाले? चंद्रवंशी मुखिया कौन है? अष्टदेव में नंबर दो चंद्रवंशी मुखिया कौन है? योगिनी मां। हाँ, तो आगे और अन्य देव नंबर वन अन्य धर्मों का मुखिया होता है। तो मुखिया नहीं कहेंगे, मुखिया तो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं। जैसे देवी देवता सनातन धर्म में मुखिया आत्मा कौन है?
देवी देवता सनातन धर्म में, देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करने वालों में मुख्य आत्मा कौन है? हैं? सूर्य, लक्ष्मी नारायण। वो दो आत्माएं हुई या एक हुई? हम तो एक की बात कर रहे हैं। नारायण। नारायण से ऊपर शिव नहीं है? फिर मुख्य आत्मा कौन हुई? हम तो हम ये युग की बात ही नहीं कर रहे, हम तो होल सोल 5000 वर्ष के ड्रामा की बात कर रहे कि 5000 वर्ष के ड्रामा में देवी देवता सनातन धर्म में मुख्य पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? हैं? ऐसे ही दूसरे धर्मों का निकाल लो। मुख्य आत्मा पूछ रहे हो या पूर्वज आत्मा पूछ रहे हो? हाँ, अन्य धर्मों का पूर्वज होता है। हाँ, तो अन्य धर्मों में और अपने धर्म में, सनातन धर्म में, चंद्रवंश में, सूर्यवंश में, इस्लाम वंश में मुख्य आत्माएं अलग हैं और जो पूर्वज आत्माएं हैं वो अष्टदेव हैं। पूर्वज का मतलब ही है पूर्व में जिन्होंने जन्म लिया। तो अन्य धर्मों का पूर्वज होने का अलावा पक्का सूर्यवंश में जन्म लेना अच्छा होता है? नहीं, वो कहाँ आते हैं? द्वापर युग में इब्राहिम आएगा, वो क्या सतयुग में आएगा? इब्राहिम सतयुग में आएगा क्या? है? नहीं आएगा। त्रेता में आएगा? नहीं आएगा। तो सूर्यवंश में कहां से आ गया? वो सूर्यवंश का मुखिया है ही नहीं, वो कौन से वंश का मुखिया बन जाता है? हैं? इस्लाम वंश का मुखिया बन जाता है। अरे ये तो ग्रुप है, कोई शेरों का ग्रुप है, कोई चीतों का ग्रुप है, कोई गधेड़ों का ग्रुप है, कि सब एक जैसे हैं? हैं? सब अलग अलग ग्रुप है। और मुरली ने बताया सम्मुख मुरली सुनाना नंबर वन। सुनाना नहीं, सारा डब्बा गोल मत कर दो। सम्मुख मुरली नहीं सुनाना, नंबर वन समझना। क्या? सुनना। सम्मुख बाप के सम्मुख बैठकर मुरली सुनना, ये है नंबर वन मुरली। हाँ, और टीवी में देखना, टीवी में मुरली देखना वो नंबर टू। हाँ, और पढ़ने का नंबर थ्री। हाँ, ऐसे बोल दिया। सम्मुख माने कैसे? भगवान बाप हमको सम्मुख सुना रहा है। अगर भगवान बाप हमको सम्मुख मुरली सुना रहा है तो उसके मुकाबले कोई दूसरी मुरली हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन ये भावना जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा उसको ये भावना पैदा होगी, या जिसको ज्ञान हुआ ही नहीं, पहचान हुई नहीं, बाप को जिसने जाना ही नहीं, वो सन्मुख मुरली सुनेगा? जिसको सन्मुख बाप मिला है, पहचाना है, जाना है, दिल ने स्वीकार कर लिया है कि हमारी आत्मा का बाप है, ये हमारे जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाला बाप है, एक जन्म का बाप नहीं है, बेहद का बाप है, बेहद का टीचर है, बेहद का सदगुरु है, एक जन्म का गुरु नहीं है, एक जन्म का टीचर नहीं है, ऐसा भाव जिसकी बुद्धि में बैठ गया है वो ही सन्मुख मुरली सुन सकता है, नहीं तो सन्मुख मुरली नहीं सुन सकता। और बाबा पहले में जो बताया ना कि अलिफ को अल्लाह मिला, अलग को अल्लाह मिला, तो अलिफ और अल्लाह अलग अलग हो गए ना? अलिफ को मिला अल्लाह,
अल्लाह मुसलमान किसे कहते हैं? हाँ, तो आप एक कैसे कहते हैं? अलफ को मिला अल्लाह, तो अलफ खड़ा डंडा है या नुक्ता है? अलफ तो खड़ा डंडा है और अल्लाह सदैव ही ज्योति बिंदु है। डंडे को खड़ा करना शुरू करो तो जैसे ही कलम लाके रखेंगे तो पहले क्या बनेगा? अल्लाह बनेगा कि अलफ बनेगा? है, पहले नुक्ता बनेगा फिर खींचना शुरू करो तो अलफ बनेगा। ये अंतर है। पहले पहले जैसे ही कलम कागज के ऊपर आई तो पहले क्या बनेगा? अल्लाह, वो है अल्लाह। उसको मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह। अलफ को वो नहीं मानते ज्यादा, वो आदम को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते। भारतवर्ष में दोनों को मिलाकर, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, उसको भगवान कहते हैं। तो अलफ को मिला अल्लाह, ये दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग है। हाँ, तो आप तो अभी क्या कह रहे थे? नहीं, मैं अभी एक इसमें सुना अलग ही। आपका वाक्य तो यही था पूछने का कि अलफ को मिला अल्लाह, ये तो दोनों एक ही हो गए। ये दोनों एक नहीं है। अल्लाह माने जो हमेशा ऊंचा ही ऊंचा है, यानी जो सृष्टि नाटक में, सृष्टि रूपी रंगमंच में जो सदैव ऊंचा ही है। सृष्टि रूपी नाटक में आकर पार्ट बजाता है तो भी ऊंचा है, और नहीं पार्ट बजाता है तो भी ऊंचा है। उसका नाम दिया है संस्कृत में अच्युत, अच्युतम केशवम रामनारायणम। अच्युत है, च्युत माने ऊपर से नीचे गिरना, वो कभी नीचे नहीं गिरता। शंकर वाली आत्मा का नाम है, टाइटल है शंकर, लेकिन वो सदाकाल का टाइटल है, 84 जन्मों का टाइटल है, या सिर्फ एक जन्म की बात है? एक जन्म की बात है। जो अल्लाह है वो सदैव ऊंचा है, वो गिरना मना क्या बाबा? वो गिरता ही नहीं, ऐसी तो अल्लाह है, नहीं तो फिर मुसल्ला हो जाए। जो अल्लाह है वो मुसल्ला नहीं बनता कभी, क्या समझे? मूसल देखा है कभी? नहीं देखा। कोई हिंदी जानने वाले होंगे? है, हाँ, कन्नड़ में क्या कहते हैं? मनके। मनके देखा है? हाँ, तो अल्लाह जो है वो मुसल्ला नहीं हो सकता। क्या? प्रजापिता मुसल्ला भी होता है, असली मुसल्ला वो है जिसका मुसल्लिम है ईमान, उसको कहते हैं मुसलमान। क्या? ईमानदार है, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी, ईमानदारी, उसको असली मुसलमान कहा गया है। इसलिए मुरली में बोला है, बाप क्या बनकर के आए हैं? विदेशी बनकर के आए हैं। मां विदेशी बनकर के नहीं आई है, बाप सारे विश्व का कल्याण करना है, देश विदेश दोनों का कल्याण करना है, या सिर्फ देश का ही कल्याण करना है?
और धर्मों का उद्धार होना है या नहीं होना है? और धर्मों का भी उद्धार होना है। शूटिंग कहां होनी है उद्धार होने की? है यहां संगम युग में सभी धर्मों का उद्धार होता है। बाबा अन्य धर्मों का उनकी अष्टदेव होने का अलावा पक्का स्वरूप से आत्मा बनना चाहिए। आज जान पाया? इतने दिन हो गए तुमको एडवांस में आए हुए, आज तुम्हारी बुद्धि में बैठी ये बात क्या? उन और अन्य धर्मों में मण का बनने से तो अच्छा है सूर्यवंशी मण का बनना, सूर्यवंशी आत्मा बनना अच्छी बात है या खराब बात है? और बाबा ब्रह्मा को हनुमान गणेश कहते हैं, गणेश और हनुमान का बहुत पूजा होता है। हाँ, बहुत पूजा कहाँ होता है? कलयुग में होता है या द्वापर में होता है? तुम कलयुगी पुजारी बनना अच्छा समझते हो या द्वापर युगी पुजारी बनना अच्छा समझते हो? है जिनकी बहुत पूजा करें वो अच्छे होते हैं देवता, ये जिनकी बहुत पूजा नहीं करते हैं थोड़ी आत्माएं होती हैं जिनको पहचानती हैं और पूजा करती हैं पूजनीय मानती हैं वो अच्छे? तो सतोप्रधान पूजा करने वाले अच्छे या तमोप्रधान पूजा करने वाले अच्छे? सतोप्रधान पूजा करने वाले थोड़े और तमोप्रधान पूजा करने वाले ढेर के ढेर, तो कौन अच्छे? सतो प्रधान पूजा करने वाले भले थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं। पांडव अच्छे या कौरव अच्छे? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बाप को पहचाना। और जो ज्यादा पूजा करते हैं उस पूजा करने के बाद वो भी देते हैं। विभिचारी बनेंगे बनावेंगे तो डूबेंगे और दूसरों को डुबावेंगे। बाबा एक ही आत्मा को दो जगह में दिखाया है। ब्रह्मा बाबा एक ही आत्मा है ना? एक जगह दो जगह कहाँ दिखाया? हनुमान दिखाया, द्वापर के आदि में दोनों के मंदिर बने हुए दिखाए गए हैं सीढ़ी के चित्र में। तो एक ही जगह बने हुए हैं कि एक अलग है एक अलग है? एक ही जगह। हाँ, कलयुग के आदि में पहले जन्म में जो दो मंदिर बने हुए हैं वो एक ही जगह बने हुए हैं, एक दाई और एक बाई और है। एक जगह कहा है? और बाबा एनएस में बाबा का सम्मुख क्लास होता है? एनएस में बाबा का सम्मुख क्लास होता है? नहीं होता है। होता होता तो तुम्हारे सामने नहीं आता। अरे वहां का क्लास कभी तुम्हारे सामने आया है? नहीं आया तो क्या छुपाया जा रहा है? माने तुम क्या समझते हो कि क्लास होता होगा लेकिन छुपा लिया जाता है? है अभी तो क्लियर नहीं है भाई, नया संगठन में क्या क्या क्लियर नहीं है? नया संगठन में क्या क्या क्लियर नहीं है? अच्छा मर के देखो। काशी नगरी में जाकर मरना? वहां जाकर के मरना? पहले नहीं मरेंगे? पहले भी मरना जाकर जाके तो सारे ही मरेंगे। पहले और बाबा साढ़े सात सिंधी काट साढ़े सात वर्ष में होता है, साढ़े सात सिंधी साढ़े सात वर्ष में पूरा होता है। हाँ अष्टम शनि काट सवा दो डेढ़ वर्ष में भी उतना कभी जास्ती दुख देता है।
क्या क्या चक्कर चला, क्या क्या चक्कर सीखा हुआ है, हम बेचारे डिटेल में बताओ, हमें तो मालूम नहीं ना, हमसे ना हमने शनिदेव के लोक में चक्कर काटे हैं शायद, जरा डिटेल में बताओ। 7.5 शनि बहुत दुख देता है 7.5 इयर्स में, वो अष्टम शनि काट 2.5 इयर्स में बहुत 7.5 तक भी बहुत दुख 2.5 इयर्स में देता है। 8वें वर्ष में, आठवें वर्ष में 7.5 में जो होता है वो 7.5 साल तक तकलीफ देता है, लेकिन जो अष्टम शनि का काट होता है वो 2.5 साल में और ज्यादा ही दुख देता है, जो 7.5 साल में होता है उससे ज्यादा होता है, 2.5 साल से ज्यादा दुख 2.5 साल में होता है। हाँ ढैया शनिदेव के दो उनके दो माने जाते हैं शिष्य, एक साढ़े साती और एक ढैया, तो ढैया ज्यादा खतरनाक है, 7.5 साल में जितना दुख नहीं होता है उससे ज्यादा दुख 2.5 साल में भोगना पड़ता है। हाँ तो अष्टम अष्टम आठवा घर में शनि होने तो अष्टम शनि कट बोता है, वो 1.5 साल में उतना दुख देता है, बहुत दुख देता है। हाँ वो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया ना, हम उस आश्रम सिटिकट में बंधा हुआ था, निकल आया, चलो निकल आया। हाँ बाबा मुस्लिम ज्योति स्वरूप को मानता है, क्या कथा है वो मस्जिद में, तो उनका पापा और जो नेहरू था वो एक ही याद करता है ना, वो एक ही की याद करता है। एक कौन है? ज्योति स्वरूप को। आप भी तो ज्योति स्वरूप है, आपकी आंख में से ज्योति नहीं निकल रही है? अरे आपकी आंख में से ज्योति निकल रही कि नहीं, तो आप भी तो ज्योति हैं। वो एक ज्योति कौन सी? तो नहीं पहचानते हैं, तभी तो कहते हैं हम ये एक ज्योति को मानते हैं, ज्योति ज्योति में समाया, हिंदुओं में भी कहते हैं, बौद्धियों में भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध की आत्मा ज्योति ज्योति में समा गई, लेकिन वो ज्योति कौन सी है जिस ज्योति में समा गई, वो तो क्लैरिफाई करो, डिफिनेशन चाहिए ना, वो ज्योति कौन सी?